60,000 रुपया दिया पप्पू यादव। शरद यादव गया तो वहाँ 5 रुपया भी नहीं मदद किया उसको। उसके लड़की का शादी हुआ 2.5 लाख रुपया मदद किया शादी में। हमारे गांव में आग लगा जाके 10,000 रुपया पप्पू यादव दिया है। विधायक के रूप में उन्हीं को देखना चाहते हैं, पप्पू यादव को देखना चाहते हैं, उसके सिवा किसी को नहीं। मधेपुरा में पप्पू यादव को लगाएंगे, लाएंगे घुसखोर को भगाएंगे। वही जीत रहा है, यहाँ भारी मतों से जीत रहा है। और हम लोग युवा जब तक धरती पर रहेंगे, अगर कोई वोट करेगा। विधानसभा पर नजर लगाया हुआ है और पूरा देश के जनताओं के सम्मान में मधेपुरा के जनता आ गया है मैदान में। पप्पू यादव जिंदाबाद, पप्पू यादव जिंदाबाद। बाबू यहाँ पे इसको आपके बदौलत पूरे बिहार का मैदान है, हार जीत लगी रहती है। लेकिन मैं इतना साबित कर दिया हूँ, पप्पू दुनिया का सबसे सुंदर बेटा मधेपुरा का है। पप्पू से पप्पू यादव को, पप्पू यादव को, पप्पू यादव को क्या अपेक्षा रखते हैं? पप्पू यादव समाज का उत्थान नहीं होगा, ऐसा नेता कहीं कोई नहीं पैदा हुआ है। 60,000 रुपया दिया पप्पू यादव। शरद यादव गया तो वहाँ 5 रुपया भी नहीं मदद किया उसको। उसके लड़की का शादी हुआ 2.5 लाख रुपया मदद किया शादी में। हमारे गांव में आग लगा जाके 10,000 रुपया पप्पू यादव दिया है। विधायक के रूप में उन्हीं को देखना चाहते, पप्पू यादव को देखना चाहते हैं, उसके सिवा किसी को नहीं। मधेपुरा में पप्पू यादव को लगाएंगे, लाएंगे घुसखोर को भगाएंगे। पुराने जो हमारे है उनको कहना चाहता हूँ, जितना घुसखोर है सबको भगाना है, पप्पू यादव को ही लाना है। पप्पू यादव को सुनने आए हैं। इस देश में ऐसा पप्पू यादव जैसा कोई ऐसा नेता पैदा नहीं हुआ होगा जो गरीबों की मासिया है और हर दुख को हर दर्द को सुनता है। हर परेशानी जनता का जो भी परेशानी हो उसमें आते हैं, देखते हैं। जो भी वर्तमान विधायक है आज तक किसी का मदद नहीं किए है। पप्पू यादव ही ऐसा नेता है, हर 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 दुख में, हर जनता के हर सुख में रहते हैं। कोरोना हो, विधायक के रूप में उन्हीं को देखना चाह रहे हैं। उन्हीं के रूप में देखना हम नहीं देखना चाहते, पूरी मधेपुरा की विधानसभा की जनता देखना चाहते हैं। एक बार जो गलती हो चुका है, अपनी बार कोई गलती नहीं। कहीं भी तो कैची छा बुढ़े बच्चे सब रो रहा है कि पप्पू यादव को सुनने आए हैं और दो लाइन में अपनी बात को खत्म करेंगे। पप्पू यादव तो बेहतरीन नेता है, इसमें कोई दूरा नहीं है। लेकिन हम भिक्स वाले नेता को कह देना चाहते हैं कि भिक्स लगा के जनता को जो रो रो के आप ठकने का काम करते हैं, इस बार वो चलने वाला नहीं है। कैची छाप पप्पू यादव जिंदाबाद। हर घर का बच्चा जो है नारा लगा रहा है पप्पू यादव जिंदाबाद। इस बार विधायक के रूप में उन्हीं को देखना चाह रहे हैं, बिल्कुल देखना चाहते हैं। पप्पू यादव को आज हमारे देश के नए बल्कि पूरे विश्व का ये पप्पू यादव जो लीडर है, आज हमारे मधेपुरा जिला से आज कैंची छाप पर बटन दबा कर लोग भारी से भारी मतों से विजय बनाएंगे। एक बार नारा लगाना है पप्पू यादव जिंदाबाद। पप्पू यादव से, पप्पू यादव बहुत अच्छे नेता है, उसके तरह कोई नेता नहीं है मधेपुरा के धरती पे। क्या नाम हुआ? सुनने आए हैं यहाँ पप्पू यादव सांसद जैसे उम्मीदवार जुझारू नेता को। कैसे नेता है पप्पू यादव? बहुत ईमानदार नेता है और गरीबों की माफिया है पप्पू यादव। गरीबों के नेता है और यहाँ के युवाओं के दिल के धड़कन है। इसके बिना जो है यह मधेपुरा अनसुनी है। स्थिति हो गई है मधेपुरा की, हम लोग उन्हीं को देखना चाह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल के अलावा किसी को नहीं, सिर्फ छाप कैची छाप पप्पू यादव इसको।
कैसे लगते हैं पप्पू यादव? बहुत बढ़िया लगते हैं पप्पू यादव को। कैसे नेता है पप्पू यादव? बहुत अच्छे नेता हैं। क्या अपेक्षा रखते हैं उनसे? उनसे अपेक्षा रहते हैं कि जीत करके जो है बिहार को विकास के चक्का, जो बिहार में विकास के चक्का को दोहराए। इस बार विधायक के रूप में पप्पू यादव देखना चाहते हैं? मुख्यमंत्री के रूप में हम लोग मधेपुरा का लोग देखना चाहते हैं पप्पू यादव को। कितने वोटों से विजय बनाएंगे उन्हें? अपार मतों से जीत होगा पप्पू यादव का मधेपुरा से। उनसे क्या अपेक्षा रहते हैं शिक्षा से लेकर के हर क्षेत्र से लेकर के? गरीब शोषित पिछड़ों का यह जो है नेता है, आज तक इन्होंने जो दान किया है इस भारत में कोई ऐसा नेता पैदा नहीं लिया है जो पप्पू यादव जैसा दाता होगा। यह भारत का हनुमान है, यह भारत का हनुमान है। पप्पू यादव को देखना चाह रहे हैं? पप्पू यादव को मधेपुरा से जिताना चाह रहे हैं। और जितने भी भाई है करोड़ों की संख्या में है, सिर्फ पप्पू यादव का छोटा भाई सुनने आए हैं। पप्पू यादव को क्या अपेक्षा रखते हैं पप्पू यादव? समाज का उत्थान नहीं होगा, ऐसा नेता कहीं कोई नहीं पैदा हुआ है। धर्मठ योग ईमानदार है और हर गरीब परेशान लोगों को मदद करते हैं, ऐसा नेता इस धरती पर नहीं है। पप्पू यादव क्या अपेक्षा रखते हैं पप्पू यादव से? बहुत अच्छा लगता है, बहुत काम करता है। मधेपुरा के जनता का जो सेवक है उसको चुनने के लिए आए हैं और सुनने के लिए आए हैं। मधेपुरा में आजादी के 72 साल बाद इस बार मौका मिला है मधेपुरा के जनता को पूरे देश में समाज का सेवक जो होता है उसको यहाँ से भारी बहुमत से जिता करके और बिहार विधानसभा में शेर के जैसे धारने के लिए, और ये नीतीश लालू की शासन में जो गुंडागर्दी हुआ है, लूटपाट हुआ है, उसको जो है पूर्ण विराम लगाने के लिए और सारे अपराधी को जेल में ठूसने के लिए पप्पू यादव को मधेपुरा की जनता सेवक के रूप में बिहार विधानसभा पहुंचाने का काम करेगा। और जितना भी बिचौलिया पॉकेटमार सब है, लूट खसोट करने वाला सबका इस बार पत्ता साफ हो जाएगा और पूरा देश बिहार विधानसभा में मधेपुरा विधानसभा पर नजर लगाया हुआ है और पूरा देश के जनताओं के सम्मान में मधेपुरा के जनता आ गया है मैदान में। पप्पू यादव जिंदाबाद। पप्पू यादव को अच्छा क्या अपेक्षा रखते हैं विधायक बनने के बाद? विधायक बनने से पहले बहुत काम किया है। दिल्ली पटना जितना भी बीमारी जाता है किसान मजदूर भाई सब को देखता है। पप्पू यादव को ही वोट देंगे और जिता करके भेजेंगे। विकल्प है पप्पू यादव जैसा नेता पूरे बिहार में नहीं है, उसको हम लोग जो है सीएम बनाना चाहते हैं। सीएम बनाना चाहते हैं बिहार में। मुख्यमंत्री के रूप में उनको देखना चाहते हैं? बिल्कुल मुख्यमंत्री के रूप में हम लोग देखना चाहते हैं। बिल्कुल मुख्यमंत्री वही है। आदरणीय नेता तेजस्वी यादव कहते हैं कि राघोपुर की जनता मुख्यमंत्री का चयन करता है, क्या मधेपुरा विधानसभा की जनता को वो कम आंक रहे हैं? क्या मधेपुरा की जनता भी मुख्यमंत्री का चयन करने वाले हैं और यहाँ से विधायक नहीं बल्कि मुख्यमंत्री बनाएंगे और पप्पू यादव को जिताएंगे, भारी से भारी बहुमत से जिताएंगे। इनको सुनने आए हुए पप्पू यादव को कैसा लेता है पप्पू यादव? बहुत बेहद बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। हाँ, पप्पू यादव को चुनने के लिए आए हैं और पूरे बिहार में, और पूरे बिहार में नहीं जो पूरे देश में पप्पू यादव का हम लोग है और पूरे बिहार का आया है वो सब भर करके गया है। ऐसा पप्पू यादव भी एक पैदा किया है मधेपुरा धरती का जो सबको मान सम्मान देते हुए जा रहा है पप्पू यादव, और वैसा ही आदमी चाहिए मधेपुरा धरती का, वैसा ही आदमी चाहिए बिहार। पप्पू यादव बहुत अच्छा लगता है, बार का विधायक उन्हीं को देखना चाहते हैं। हाँ हाँ, अबकी बार वही जीत रहा है, यहाँ से भारी मतों से जीत रहा है और हम लोग युवा जब तक धरती पर रहेंगे यादव को ही वोट करेंगे। पप्पू यादव